सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को हार्दिक अभिनंदन है। आज एक सूचना देना चाहता हूं आप लोगों को, और आप लोगों के लिए शुभ सूचना है। हमने लगभग 10-11 महीने हुए होंगे, हमने 2-3 वीडियो बनाए थे जहां पर दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा था, और वो जगह यमुना नदी के किनारे एक मंदिर है। तो मंदिर और यमुना नदी के किनारा और मंदिर के नीचे श्मशान, यानी कि साधकों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर नवनिर्मित कमरा भी बनवा दिया गया है, और मंदिर के अंदर भी बैठ करके साधना कर सकते हैं या कमरे में भी कर सकते हैं। एक वहाँ पर राधा और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और बन रहा है। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है और समर लगा हुआ है, जिससे कि 24 घंटे आप कभी भी पानी निकाल के स्नान वगैरह कर सकते हैं। वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर मार्केट है, वहाँ से आप फल या अपने उपयोग की चीज़ें खरीद सकते हैं खाने पीने की। वहाँ पास में ही गांव है जहाँ से आपको दूध इत्यादि की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था हो सकती है। साधक के लिए फलाहार और दूध यही उपयोगी होते हैं, बाकी भोजन ना ही करें तो अच्छा है। हालांकि आप चाहेंगे तो भोजन कर भी सकते हैं, वहाँ बर्तन वर्तन भी आपको मिल जाएंगे, बर्तन भी आपको मिलेंगे। तो जौ की रोटी, मूंग की दाल, ऐसी चीज़ें आप खा सकेंगे। और चूंकि वहाँ पर एकांत स्थान होगा तो साधना में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे सिद्ध साधना स्थल पर जो लोग आना चाहते हैं, वो लोग जो लोग ये चाहते हैं, कहते हैं कि हमें तो आपके यहाँ आकर के साधना करनी है, हमें आपके सानिध्य में साधना करनी है, वह लोग हमारे इस आश्रम में आकर के रुक सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, 1 महीने 2 महीने, 6 महीने, जो भी रुकना चाहें आराम से रुक सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी, वो खर्चा आपका होगा। तो मुझे लगा कि ऐसे सिद्ध स्थान में जहाँ पर बहुत सारे साधुओं ने, योगियों ने तपस्या की है और सिद्ध होकर के गए हैं, ऐसे सिद्ध स्थान में जब आप बैठ करके साधना करेंगे तो साधना सफल होगी। भगवान शिव का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है लेकिन जैसा भी है, वो शिव मंदिर के बाहर बैठ करके या भीतर बैठ करके साधना कर सकते हैं। उसी के बगल में माता काली की प्रतिमा लगी हुई है, हालांकि वो मंदिर के बाहर है, तो माता काली के सामने बैठ करके जाप कर सकते हैं। या हनुमान जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर बैठ करके कर सकते हैं, कमरे के अंदर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, तो उसमें आराम से बढ़िया। वहाँ पर नीम वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं, तो आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 6 की खूब अच्छी व्यवस्था है, पंखा मिल जाएगा। अब यदि आपको कूलर चाहिए तो कूलर की व्यवस्था भी धीरे धीरे हो जाएगी। जो साधक आएगा कूलर खरीदेगा, खरीद के साधना करके चला जाएगा, कूलर तो यहीं रहेगा, हो जाएगा। बाकी यदि आप मार्केट नहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे लोग, वह लोग आप उनको पैसा देंगे, बाजार से सामग्री उनसे मंगवा लेंगे, वो आपको व्यवस्था कर दी जाएगी।
और समय समय पर हम भी वहां पर आपसे आकर के मिलेंगे। वहां ही दीक्षा दे सकते हैं या दीक्षा हमारे यहाँ आकर के लेकर के और वहां आपको शिफ्ट कर देंगे। तो ये समस्या खत्म हो गई कि साहब हम समस्या हमारी है कैसे साधना करें, घर में रह करके साधना हो नहीं पाती है, घर में बहुत सारे ब्रह्मजाल होते हैं और एकांत स्थान यदि कोई देखता है तो साधना के लिए ऐसा स्थान अच्छा है। आपकी मर्जी है, आप नीचे जाके श्मशान में बैठ करके साधना कर लीजिए, आपकी मर्जी है आप मंदिर में बैठ के साधना कर लीजिए, आपकी मर्जी है आप यमुना नदी में कमर तक खड़े होकर के जल में साधना कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे साधना कर सकते हैं। योग प्राणायाम अभ्यास जो भी वहां करना है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वहां पर ग्रुप में भी आप आ सकते हैं, 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग आकर के वहां ठहर करके साधना कर सकते हैं और पूर्ण सानिध्य आपको प्राप्त होगा। हम हैं, हमारे टीम मेंबर श्याम जी हैं जो कि मेरे गुरु भाई भी हैं, वो भी साधनाओं के माध्यम से साधनाओं में आपकी मदद कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। वहाँ आश्रम के आसपास बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं तो आप अपने मतलब की जड़ी बूटी भी वहाँ पे ला सकते हैं, विधिवत मंत्र पूर्वक उखाड़ सकते हैं, कोई वहां पर रह करके यदि रसायन क्रिया करना चाहता है तो आराम से वहां की जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप हमारे यहाँ आते थे तो आपको होटल में ठहरना पड़ता था, आप यहाँ पर आने की अपेक्षा यहाँ आएंगे, मिलेंगे हमसे, लेकिन आप वहाँ जा कर के रहिए, कोई आपको ज़्यादा शुल्क नहीं लगेगा, शुल्क भी जो लगेगा वो नाम मात्र का ही होगा, जो कि वो वहाँ आश्रम के ही निर्माण कार्य में कार्य करेगा, आश्रम के ही विकास में सहयोग करेगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था मैं और कुछ नहीं कर सकता। अभी वहाँ पे एक कमरा है, एक बरामदा है, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर ये योजना चल रही है हम लोगों की कि 8-10 कमरे बनवा दिए जाएं और 8-10 कमरे जो बने वो सब एसी हों जिससे कि किसी को वहाँ रहने में दिक्कत ना हो। लेकिन जो भी व्यक्ति आएगा तो उसको बाकायदे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे, अपने आधार कार्ड, अपना है ना वैक्सीनेशन का कार्ड, और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप यहाँ आने के लिए उद्यत हैं, रहते हैं यहाँ पे, तो कोई गलत आदमी आकर के यहाँ ना रहे इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन भी हम करवा सकते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब पता ये चला कि कोई अपराधी आकर के यहाँ रहने लगा साधना के नाम पर, महीने दो महीने रहा, वो हमें पसंद नहीं है, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाई जा सकती है यदि वो व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो भी। बाकी कोई बात नहीं, वहाँ पे आश्रम से मात्र 0.5 किलोमीटर की दूर पर पुलिस स्टेशन है, थाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और आए सदाचारी लोग, आए सदाचार पूर्वक आश्रम में रहें और अपना नित्य की दैनिक पूजा, दैनिक साधना, विशिष्ट साधना, योग प्राणायाम इत्यादि जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस अनुपम साधना स्थल का लाभ अवश्य लेना चाहेंगे। आइए, आपका खुले हृदय से स्वागत है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।